हेलो नमस्कार टू एवरीवन दिस इज धर्मेंद्र डरू एंड यू आर वाचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन सो ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर यू टुडे आई एम हियर विद अ न्यू सेशन आवर न्यू पॉइंट और उन पॉइंट्स को हम इस सेशन में कंसाइजली पढ़ेंगे ताकि कम समय में यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स सो विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का सेशन सो ऑल माई डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे आज एलेक्जेंडर पोप के बारे में अलेक्जेंडर पोप जो एक इंग्लिश के बहुत बड़े पॉइंट हैं क्रिटिक भी हैं सेटरिस्ट भी हैं ट्रांसलेटर भी हैं और मतलब इनका जो एक ऑरा है ना वो सबसे थोड़ा सा अलग ही है तो शुरू करते हैं इनके बारे में सो ही इज एन इंग्लिश पॉइट क्रिटिक एंड सेटरिस्ट एंड अ मेजर पॉइंट ऑफ और मेजर एक्सपोनेंट ऑफ ऑगस्टन एज और ऑगस्टन एज इज नॉन एज द एज ऑफ पोप क्योंकि और इतना बड़ा है उस सदी के पॉइंट इतने बड़े हैं कि पूरी की पूरी एज जो है ना इन्हीं के नाम से जानी जाती है ठीक है क्योंकि देखो जो ऑगस्टन एज है वो वन सेवन जीरो जीरो से शुरू होती है और वन सेवन फोर फाइव में वो कंप्लीट भी हो जाती है और वन सेवन फोर फोर में अलेक्जेंडर पोप की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है अब ये क्या है कि कैथोलिक थे तो इनको वहाँ से डिबार कर दिया गया तो वो एक जगह पर जाकर रहने लगे जिसका नाम क्या है विंड्स फॉरेस्ट है इनको कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं मिली तो इन्होंने हॉरेस को पढ़ा जुवेनल को पढ़ा होमर को पढ़ा वर्जिल को पढ़ा है चौसर को पढ़ा है शेक्सपियर और ड्राइडन इनको पढ़कर ही इन्होंने जितना भी नॉलेज इनके पास है वो सारा के सारा इन्होंने अटेन और गेन किया है तो ये तो एक इनका बायोग्राफिकल जो एक आ, डेस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको दे दिया है अब एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस जो वक्त से बनते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो देखो अगर क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका इनका ये एक क्रिटिकल वर्क है क्रिटिसिज्म को लेकर एक इंपॉर्टेंट वर्क है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म अच्छा वैसे ये इस तरीके से लिखा होगा एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म सेवनटीन इलेवन इसका पब्लिशिंग डेट है हीरोइक कपलेट्स में लिखा हुआ है और ये गुड क्रिटिसिज्म और ये एडवाइस देते हैं कि क्रिटिक को कैसा होना चाहिए क्या उसे करना चाहिए क्या उसे नहीं करना चाहिए और ये जो ऐसे है ना इसमें मैंने तीन कोटेशन लिए और ये तीन कोटेशन के लिए मतलब काफी पॉपुलर कोटेशन हैं जैसे टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन और आ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग और फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड यानी गलती करना मानवीय है और क्षमा कर देना भगवान की अनदेवीय है और जो थोड़ा ज्ञान होता है वो हानिकारक होता है और पागल लोग की इतिहास रचते हैं क्योंकि फूल दौड़ते हैं जहां जो समझदार लोग चलने से डरते हैं ना तो ये जो है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के बारे में वैसे अगर ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करनी है तो फिर इसका एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो

रेप ऑफ द लॉक और ये 1712 और 1714 दो इसके ये डेट्स हैं मॉक हीरोइक नैरेटिव पॉइंट हाँ एपिक हीरो जिसे हम कहते हैं और इसमें टोटल लाइंस जो बनती है ना वो 794 नाइन फोर लाइन्स है अगर हम इसकी टोटल लाइंस की बात करें माय डियर तो इसमें टोटल कितनी लाइंस है 794 इसके अंदर टोटल लाइंस हो जाती है इसका जोनरा जोनर की हम बात करें तो हाइबर एक तो होता है हाई बर्लिक्स और एक होता है लो बर्स अब हाई बर्लिक्स में क्या करते हैं हम किसी छोटी चीज को बहुत ज्यादा और ग्रांड करके बताते हैं एक ट्रिवियल से मुद्दे को हम बहुत बड़ा चढ़ाकर उस बात को कहते हैं अब ये जो टाइटल है ना ये जो कहानी है ना ये एक्चुअल इंसिडेंट है इनका एक फ्रेंड है जॉन कैरिल और एराबेला फर्मर और इसका यानी एरा एराबेला फर्मर का शूटर है रॉबर्ट पीटर इन तीनों को लेकर ये जो पूरा की पूरा इंसिडेंट है इसी के बेसिस पे इन्होंने ये लिखा है वैसे इसकी इंस्पिरेशन कुछ और भी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो यह का, का वर्क है रेप बकेट। रेप बकेट और का ले लैट्यून और विदा का गेम ऑफ चेस ये तीन वर्क का नाम ध्यान रखना विदा का तो गेम ऑफ चेस बॉइलो का लेलेट ल्यूट्रीन ले, और टसोनीज का द रेप ऑफ बकेट इन तीन से इसको क्या मिली है इंस्पिरेशन मिली है अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसकी जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो कौन है बेलिंडा है और बेलिंडा को किससे कंपेयर किया जाता है सन से इसको किससे कंपेयर किया गया है सन से किया गया है और इसका जो लॉक है ना वो क्या बन गया है आ, मतलब आसमान में एक स्टार बन गया है ये भी कहा जाता है इसमें बेलिंडा के डॉग का नाम क्या है स्टॉक है इसकी मेड का नाम क्या है बेटी है गार्डियन जो स्प्रिट है सिल्फ जिसे कहते हैं वो कौन है एरियल है और इसका जो सूटर जो इसके लॉक को मतलब वो, वो तो इंफॉर्मेशन मेजर -मेजर बनती है रेप ऑफ द लॉक से संबंधित वो तमाम चीजें मैंने बता दी हैं सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्क इज एसे पब्लिकेशन है फिलोसॉफिकल so, so, uh, uh, पोएम है

ब्रोक जो है उनको है उनको डेडिकेटेड ऑन मैन और डॉक्टर जॉनसन ने इसको किया, किया वॉल्टियर है, बहुत बहुत अच्छा वर्क, वर्क बताते हैं ठीक है तो ये आपका एसे ऑन मैन हो गया अब इसमें मेजर मेजर जानकारी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है आई द नेक्स्ट पॉइंट अन इंपॉर्टेंट वर्क द डन सी आर्ट एनसीआर 1728 से लेके 1743 के बीच में चार इसके वर्जन आए मॉक हीरोइक नैरेटिव पॉइंट में ये भी हीरोइक कपलेट में लिखी गई है अब वो चार वर्जन पूछ सकता है आपसे तो पहले वर्जन का नाम भी ध्यान रखना है दूसरे का तीसरे का चौथे का पहले वर्जन का नाम है द थ्री बुक 1728 में दूसरे का नाम है डनसियाड वेरियोरम 1729 में द न्यू डनसियाड 1742 में और द डनसियाड इन फोर बुक्स 1743 में क्वेश्चन बन सकता है इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है अब अगर हम डनसियाड के ओरिजिन की बात करें माय डियर तो इसके ओरिजिन की तीन बड़े सोर्सेज हैं एक तो जितने भी स्क्रिप्लरस क्लब के प्रोजेक्ट से जो कम्युनल प्रोजेक्ट से उनसे ये काफी ज्यादा इंस्पायर है दूसरा

विंडसॉर फॉरेस्ट जगह का नाम भी है वर्क का नाम भी है सेवनटीन थर्टीन uh, में आया है सेवनटीन थर्टीन में नरेटिव पोई में हीरोइक कपलेट का यूज किया है और कैसी है पेस्टोरल हीरोइक कपलेट इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास एक तो एल्बियन है और एक क्वीन एने है डॉक्टर जॉनसन इस तरीके की जो पोइट्री होती है ना पेस्टोरल हीरोइक कपलेट इसको क्या कहते हैं लोकल पोइट्री तो ये इनका विंडसॉर फॉरेस्ट हो जाएगा और इसके अलावा इन्होंने हॉरिस के इमिटेशंस भी हैं मतलब ट्रांसलेशंस भी हैं तो ये भी थर्टी थ्री में आया है और इसके अलावा यहाँ से दो वर्क और मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहला तो एपिस्टल टू डॉक्टर ये 1735 में आया है है और किसको एड्रेस्ड है जॉन अर्बथनोट को फिजिशियन है ये और ये एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है टोटल लाइन कितनी है फोर वन नाइन लाइन्स इसके अंदर है तो ये मेजर मेजर जानकारी जो है आपके कौन से वर्क से हो गई द एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट और मसीहा ये 1712 में आया लैटिन पोईम है 11 लाइंस की 119 लाइंस की पोईम में और डॉक्टर जॉनसन ने इसको 1728 में लैटिन में क्या किया था ट्रांसलेट किया था तो वी हैव नाइन इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एलेक्जेंडर पोप और इन नाइन uh, जो वर्क है इनसे क्वेश्चंस अगर बनता है तो मेजर मेजर यानी मोस्ट ऑफ द केसेस तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा ये वीडियो आपका जो एग्जाम एटीन को है उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है अलेक्जेंडर पोप से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं तो उन तमाम चीजों को ये जो वीडियो है ना ये डेफिनेटली क्लियर करेगी ही करेगी ठीक है तो ये था आज का आप लोगों का सेशन एक छोटा सा आपको बहुत कुछ मदद देगा ये एग्जाम में चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां एलेक्जेंडर पोप यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ बाकी बात है नेक्स्ट सेशन में थैंक यू